हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ। जिस फैक्ट को जानकर आप सब पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज की वीडियो में हम एनिमेशन यूज करके आप सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश किया हो। वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है चींटी को आप चाहे जितना भी ऊपर से गिरा दे लेकिन चींटी को कुछ भी नहीं होता है। चाहे आप 1 मीटर से गिराए या फिर आप बुर्ज खलीफा से ही गिरा दे। चींटी पर ग्रेविटी का तो असर होता है लेकिन चींटी का वजन इतना कम होता है कि नीचे गिरने पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों ब्रिस्टले कॉन पाइन नाम का एक पेड़ है। ये पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है। आप सब ने बहुत सारे लोगों से सुने होंगे वो पेड़ 100 साल पुराना है, वो पेड़ 150 साल पुराना है, पर उसका कोई सबूत नहीं होता है। पर ब्रिस्टले कॉन पाइन ये जो पेड़ है, इसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि ये पेड़ 4846 साल पुराना है। है ना चौंकाने वाला फैक्ट्स। आप विकिपीडिया में इस पेड़ के बारे में और बहुत कुछ जान सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है दुनिया के कौन सा शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं? ये देखो लिस्ट। फर्स्ट में है टोक्यो जापान, जिसका पॉपुलेशन 2019 के मामले में 2020 में 0.11% कम हुआ है। और सेकेंड में है दिल्ली, और आप देख सकते हो 2019 के मामले में 2020 में 3.03% पॉपुलेशन बढ़ चुका है। अगर आप वर्ल्ड सिटी पॉपुलेशन में टॉप 10 तक देखेंगे तो इंडिया के 2 शहर हैं, और टॉप 15 तक देखेंगे तो 3 शहर है, जिसमें से मुंबई और थर्ड में कोलकाता है। यार ये फैक्ट के लिए तो एक लाइक बनता है। और आप यहाँ पर बहुत सारे सिटी का पॉपुलेशन देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा सबसे ऊंचा उड़ने वाला पंछी जो कि चील है, पर ये जानकर आप सब शॉक हो जाएंगे कि बीज जो होता है यानी कि मधुमक्खियाँ, ये भी चील के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकती है। कुछ रिसर्च के मुताबिक नेपाल में जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट है, इतने ऊंचाई तक मधुमक्खियाँ उड़ सकती है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट 29,525 फीट ऊंचाई तक मधुमक्खियाँ उड़ सकती है। मधुमक्खी से रिलेटेड और एक फैक्ट, मधुमक्खी एक कीड़ा है और सबसे तेज उड़ने वाले कीड़ा के लिस्ट में मधुमक्खियाँ भी आती है, जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है मून पर स्पेसशिप को जाने के लिए कितना फ्यूल खर्च होता है? आप सब जितना सोचेंगे उससे भी बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च हो जाता है मून पर जाने के लिए। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा चांद पे जाने वाला यान बहुत बड़ा और बहुत वजनदार होता है। चांद पर जाने वाला यान की वजन लगभग 100 टन होता है, तो वही लगभग 98 टन फ्यूल का जरूरत पड़ता है। चांद पर जाने वाला स्पेसशिप को तो आप सब देखे ही होंगे, कुछ समय बाद डिब्बे जैसा स्पेसशिप से कुछ कुछ अलग होता है, वो फ्यूल टैंक होता है। जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता है वजन कम करने के लिए टैंक को गिरा देते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों शायद आप सबको पता नहीं होगा कोई इंसान 10 साल की उम्र से ही ईंटे कंकर पत्थर खा के अपना जिंदगी गुजार रहा है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के 30 वर्षीय पकीरपा हुनगुंडी ने अगले 20 साल से ईंटे पत्थर खा के जिंदगी बिता रहा है। एक दिन में कम से कम 3 किलो ईंटे खा जाते हैं। यहाँ तक कि उसे ईंटे पत्थर खाने से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है।
ये इंसान अपने आप में ही एक मिसाल है। तो दोस्तों आप सबको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।